तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। हमने थोड़ी देर पहले, अभी से कोई तकरीबन 1.5 घंटा पहले, एक रिपोर्ट रिकॉर्ड की थी जिसमें ये कहा गया था कि खालिस्तानी सिंपेथाइजर अमृतपाल सिंह को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे सूत्रों ने, सब ने ये बात कंफर्म की थी कि उसको पंजाब के शहर नकोदर के पास से हिरासत में ले लिया गया है और NSA के तहत गिरफ्तार करके उसको पंजाब के बाहर की किसी जेल में रखा जाएगा। लेकिन शाम होते होते, रात के तकरीबन 10:30 बजे के करीब, पंजाब पुलिस का एक आधिकारिक बयान आता है कि अमृतपाल सिंह अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, बल्कि उसके कुछ साथियों को, 78 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अमृतपाल सिंह अभी तक फरार है और उसको सरेंडर करने के लिए कहा गया है। लेकिन हमारी सूचना के मुताबिक, उसी गांव में जिसका जिक्र हमने उस रिपोर्ट में किया था, वहाँ से अमृतपाल सिंह को अरेस्ट किया गया था। क्यों ले देर रात, इतनी लेट पंजाब सरकार ने अपना स्पष्टीकरण दिया, इसके पीछे सवाल खड़े होते हैं। एक सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है, शायद इसलिए कि पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब नहीं हो। अमृतपाल सिंह के समर्थक कहीं रात को सड़कों पे नहीं उतर आए और एक बड़ी समस्या का कारण बन सके। उनको एक एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि अमृतपाल सिंह अरेस्ट नहीं हुआ है या उसको अरेस्ट नहीं किया जा चुका है। एक टाइम मांगने की कोशिश की गई है के बड़े तरीके से आज की रात किसी तरह निकल जाए, कल सुबह देखा जाएगा जो होगा। तो ये अगर पंजाब सरकार का स्पष्टीकरण आना होता तो दोपहर के 2 बजे से, जब से ये खबर आई कि अमृतपाल सिंह अरेस्ट हो गया है, अभी तक 8 घंटे तक सरकार चुप क्यों थी? वही अफसर उसी समय कह सकते थे कि कोई अरेस्ट नहीं हुई है, जगह जगह पे इतनी बड़ी नाकाबंदी करने की जरूरत नहीं थी। पूरे पंजाब में और उसके 7 लगती स्टेट्स, हरियाणा, हिमाचल, वहाँ पे भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जगह जगह पे चेकिंग हो रही है, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। अमृतपाल के गांव को आज सुबह से घेर के रखा हुआ है। 78 साथी उसके गिरफ्तार हो चुके हैं। 8 वेपन्स, राइफल्स और एक पिस्टल बरामद हुआ है। ये सब कुछ हो गया तो अमृतपाल सिंह क्यों पकड़ा नहीं गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमने जो रिपोर्ट बनाई थी आपके लिए, इसके बाद वही रिपोर्ट आपको जारी रखेंगे ताकि कल सुबह तक पूरी सिचुएशन क्लियर हो जाए कि पूरा मामला पहले क्या था और बाद में अचानक सरकार के एक बयान ने पूरा सिनेरियो कैसे बदला। हालांकि तथ्य सब वही हैं, ये शायद एक कोशिश की जा रही है थोड़ा सा समय टपाने की, कि ये वक्त निकल जाए, अभी रात को कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए कुछ एक स्ट्रेटजी, जिसको आप बोलते हैं एजेंसियों की चाल होती है, एजेंसी का काम करने का तरीका होता है, शायद उसको मद्देनजर रख के ये एक किस्म की कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, एक सस्पेंस बनाए रखने की कोशिश की गई है। खैर, जो भी हो, सबके सामने आ जाएगा। लेकिन हम वो पूरी अपनी रिपोर्ट वापस नहीं ले सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं सच्चाई को छिपाने की या डिले करने की कोशिश की जा रही है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। बाबे चुप करो, वाहेगुरु जी। पुलिस लगी हुई है भाई साहब के पिछे,
संगत नु बेनती है कि जिन्नी हो सकती है संगत पहुंचो। लोकेशन मैं लाइव सेंड कर देता हूं। बहुत दिनों से आप लोग कह रहे थे कि अमृतपाल पे आप एक स्टोरी बनाइए, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से वो सब पूरे नेशनल मीडिया पे एक तरीके से छाया रहा। बहुत से लोग उसमें संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले की छवि देखते थे, उसको दूसरा भिंडरांवाला कहने लगे थे। कुछ दबी आवाज में वो खालिस्तान की बात भी करता था, लेकिन इस बहाने के साथ कि अगर इस देश में हिंदू राष्ट्र की बात हो सकती है तो सिख राष्ट्र की बात क्यों नहीं हो सकती। लेकिन ये बातें शायद केंद्र सरकार और उसके तंत्र मंत्र को अच्छी नहीं लगी। कहीं ना कहीं कुछ अगलाववादी तत्व उनके साथ जुड़ने लगे थे और वो एक चिंता का विषय था। पंजाब के लिए भी उतना ही चिंता का था जितना केंद्र सरकार के लिए चिंता का विषय था, लेकिन एक्शन डिले होता गया क्योंकि कभी ना कभी कोई ऐसा माहौल जैसी और बात पंजाब में चल रही होती थी जिसके मद्देनज़र अमृतपाल के ऊपर एक्शन डिले करते रहे। कभी फोर्सेस की कमी, कभी कोई त्यौहार, कभी कोई गुरुपुरब, कभी कोई और रिलीजियस फंक्शन या कभी इस किस्म के और मेले मशाहदे, उनको लेकर सरकार टाल मटोल करती रही जो एक्शन लेने के लिए। और आपको याद होगा पिछले दो एक हफ्ते पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और दिल्ली के केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह के बीच एक मीटिंग हुई थी जिसमें पंजाब में 50 कंपनीज पैरामिलिट्री फोर्सेस की भेजने की बात हुई थी। और विद इन टू डेज, ये इसी महीने की 4 तारीख की बात है, और 5 तारीख को ये फोर्सेस पंजाब में आनी शुरू हो गई थी, जिसमें BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स, इस किस्म की फोर्सेस दिल्ली ने 50 कंपनी तकरीबन 5,000 वेल ट्रेंड सिपाही और ऑफिसर पंजाब में भेजे। कहा यह जा रहा था, तभी सरकार की तरफ से बहाना लगाया गया कि जो होली का पर्व जो अमृत आनंदपुर साहब में मनाया जाता है उसके बंदोबस्त के लिए और G20 की जो इंटरनेशनल मीटिंग अमृतसर साहब में चल रही है उसको लेके सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़रूरत थी, इसलिए हमने सेंटर से मदद मांगी और सेंटर ने वो मदद दी। लेकिन उसके बाद जो अजनाला में एक बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, एक शख्स को उठा के उससे मारपीट की जाती है, वो मारपीट की जाती है अमृतपाल के सहयोगियों के द्वारा। अजनाला में केस रजिस्टर होता है FIR जिसमें अमृतपाल का नाम है और उसके और साथियों के नाम हैं। उनमें से एक लवप्रीत तूफान को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके बाद हजारों लोग उस पुलिस स्टेशन का घेराव करते हैं, एक तरीके से पुलिस स्टेशन पे कब्जा कर लेते हैं। तलवारें लहराई जाती हैं, डंडे सोटी लहराए जाते हैं, पुलिस से झड़प होती है और उसमें 7 पुलिस वाले इंजर्ड होते हैं। और लेकिन पुलिस रिटेलियरी फोर्स नहीं इस्तेमाल करती, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब का एक स्वरूप, एक पालकी उस हजूम के पास थी, पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद थी। पंजाब पुलिस नहीं चाहती थी किसी किस्म का कोई धार्मिक बवाल खड़ा हो, इसलिए वो मार खाते रहे, लेकिन उसका असर बहुत दूर तक चला। उसके बाद एक स्ट्रेटजी बनाई गई, दिल्ली सरकार ने करणी का एक नुस्खा अपनाया कि सख्ती से काम करना पड़ेगा और पूरी जिम्मेदारी NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और IB को दी गई कि वो एक जॉइंट वेल ऑयल्ड ऑपरेशन प्लान करें। ऊपर से ये दिखाया गया कि अमृतपाल को 20 तारीख तक नहीं पकड़ा जाएगा, ये
बातें मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाई गई, क्योंकि अमृतसर में जी ट्वेंटी का जो सम्मेलन है वो 20 तारीख को ख़त्म होगा, तो सरकार ये नहीं चाहती कि किसी किस्म की कोई पंजाब में वारदात हो, अमृतपाल को पकड़ा जाए, कोई वायलेंस हो जाए, कुछ लोगों को मजारे जुलूस निकलने शुरू हो, उसका बुरा असर पड़ेगा। जो इतने देशों से ले डेलीगेट्स जो आए हुए हैं अमृतसर, वो देखेंगे तो क्या कहेंगे, उसको लेके शायद अमृतपाल थोड़ा सा इजी लेने लगा, आराम से इन चीज़ों को लेने लगा कि 20 तारीख तक तो शायद मेरी अरेस्ट नहीं होगी। उसके बाद एक जो उनके साथ जो 8-9 लोग जो थे, 10 तकरीबन, वो जो खुलेआम हथियारों की नुमाइश कर रहे थे, वो पंजाब सरकार के 1-2 महीने पहले इशू किए गए ऑर्डर्स के खिलाफ जाता था। जिन लोगों को शस्त्र या हथियार, उनके आर्म्स एम्यूनिशन, उनकी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए दिया गया था, सेल्फ डिफेंस के लिए दिया गया था, उनको वो इस्तेमाल कर रहे थे अमृतपाल के बॉडीगार्ड बन के। उसी सिलसिले में 2 लाइसेंस उन 10 में से जम्मू कश्मीर में इश्यू हुए थे, जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने कैंसिल कर दिए, और एक शख्स जो था वो अरेस्ट भी हुआ। एक लाइसेंस पटियाला से इशू हुआ था, वो कैंसिल किया गया, लेकिन बाकी के 7 हथियारों की जो पोजीशन थी वो ऑफिशियल वेबसाइट के पुलिस के पेंडिंग दिखाई गई। तो शायद इतनी जल्दी पुलिस को एक्शन नहीं लेना चाहती थी, लेकिन जैसे कहते हैं कि हर एक्शन में एक सरप्राइज एलिमेंट होता है। अब बड़ी बारीकी से NSA और IB इंटेलिजेंस ब्यूरो इस पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा था। उनको ये भी पता था कि अगर वो जो एक किडनैपिंग का केस बनाया गया है, जो शख्स को किडनैप करके मारपीट की गई, उस शख्स ने हाईकोर्ट जाने का भी एक चैलेंज दिया था कि मेरे जिन लोगों ने मारा है उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा, और पुलिस स्टेशन का घेराव करके इन लोगों ने ज़बरदस्ती पुलिस पे दबाव बना के उस शख्स को, तूफान को, लवप्रीत तूफान को दूसरे दिन अरेस्ट भी करवा, वापस भी अरेस्ट से आज़ाद करवा लिया, बेल करवा ली, और उसको फ्री करने के बाद वो धरना पुलिस स्टेशन का तोड़ा गया। लेकिन ये बातें जो हुकूमत है उसको हजम नहीं हुई, ना पंजाब को ना केंद्र को। अब ये देखना था कि एक्शन कब हो। एक टेक्टिकल मिस्टेक जिसको कहते हैं हर आदमी कर देता है, अमृतपाल ने 2 दिन पहले ऐलान कर दिया कि वो एक रिलीजियस मूवमेंट, एक रिलीजियस मार्च 19 तारीख को, मतलब कल संडे वाले दिन, पंजाब के दमदमा साहब, तलवंडी साहब वो इलाके से शुरू करेंगे। उसको लेके फिर सरकार की चिंता बढ़ी कि अगर ये मार्च दोबारा शुरू हो जाता है, उसमें हज़ारों लोगों के शामिल होने की बात चल रही थी और लोग हो भी जाते, तो अगर एक बार वो भीड़ जो है मोर्चा बढ़ा, एक बहुत बड़ी भीड़ अगर चल पड़ती है अमृतपाल के पीछे, तो उस समय उसको अरेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खड़ी हो सकती है। पंजाब में हालात ऐसे हैं कि नौजवानों के पास काम नहीं है, धंधा नहीं है, रोज़गार नहीं है। उनको कोई ना कोई ऐसा जब एक सपना दिखाई देता है जो उनको लगता है कि वो सपना उनका अपना है, तो उसके पीछे लग जाते हैं। सरकार की चिंता थी कि कहीं अमृतपाल, जिसको भिंडरांवाले का एक दूसरा रूप देख के देखा जाता था, कहीं उसी तरह की हालात ना पैदा हो जाएं जो पंजाब में भिंडरांवाले के समय हुई थी। उसको लेके केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया पंजाब सरकार की सहमति के साथ कि नाउ दिस इज द टाइम, बहुत हो गया, एनफ इज एनफ, अब एक्शन लेना होगा। और आज सुबह 1:30-2 बजे के करीब अमृतपाल सिंह को अरेस्ट करने की जो कवायद चली वो बहुत हाई ड्रामा रहा। कुछ वीडियोज़ आप साथ में इसके
देख रहे होंगे शुरू से, छोटी छोटी 10 सेकंड 15 सेकंड की क्लिपिंग्स हैं कि कैसे पंजाब के डिफरेंट इलाकों में, डिफरेंट शहरों में किस तरह से पुलिस ने नाकाबंदी किया, किस तरीके से गाँव को घेरा, किस तरीके से लोगों की गाड़ियां चेक की गई और किस तरीके से वो काफिला, जिस काफिले में अमृतपाल को अरेस्ट करने के बाद पुलिस अपनी एक कॉन्वॉय में लेके जा रही है, उसकी तस्वीरें आप साथ साथ देख रहे होंगे। सुबह से एक एक्शन भरा दिन पंजाब में चला और शाम तक अमृतपाल को एक अनडिस्क्लोज्ड जगह पे ले जाया गया और इस ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस भी शामिल थी, पंजाब पुलिस के अलावा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की बहुत बड़ी गिनती इस ऑपरेशन में शामिल थी ताकि किसी किस्म का कोई ऐसी बात ना हो कि लोग अमृतपाल को छुड़ाने के लिए पुलिस का रास्ता रोक सकें, क्योंकि इस किस्म की अपील्स अमृतपाल के सपोर्टर्स द्वारा पहले की गई थी। वो छोटी सी क्लिपिंग आपको जो एक अमृतपाल के सपोर्टर अपने जो उनके उनके जो अनुयायी हैं, उनके साथी हैं, अमृतपाल के साथ जुड़े हुए हैं, उनको अपील कर रहे हैं कि वो नकोदर एक कस्बा है, टाउन है छोटा सा जलंधर के पास, उसके पास एक मलसियां एरिया है, वहाँ पे एक बहुत बड़े किसी उनका जो सपोर्टर था उसके बंगले पे ये इनको घेरा गया था और अरेस्ट किया गया था। उनको वहाँ पे पहुँचने की अपील की जा रही है सोशल मीडिया पर और सपोर्टर्स को ये कहा जा रहा है कि उसके चारों तरफ जो रोड्स हैं, सड़कें हैं, उनको ब्लॉक कर दिया जाए गाड़ी लगा के चारों तरफ से, ताकि पुलिस अमृतपाल को निकाल के वहाँ से ना ले जा सके। लेकिन पुलिस ने उसके पहले पहले अपना सारा काम कर लिया। ये पोस्ट आने के बाद पूरे पंजाब में इंटरनेट और SMS सेवा बंद कर दी गई है और ये रिस्ट्रिक्शन कल 12 बजे तक रहेगी। मैं ये वीडियो हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत से लोग पूरे हिंदुस्तान के अमृतपाल के बारे में जानना चाहते थे, उनको भी पता चल जाएगा और हमारे पंजाब में जो लोग आज इस वीडियो को नहीं देख सकेंगे क्योंकि इंटरनेट बंद है, SMS बंद है। बहुत से लोग ये वीडियोस हमारी जो YouTube चैनल्स होती हैं वो अपने मोबाइल्स पे देखते हैं, जिनके पास तो ब्रॉडबैंड है या घर में वाईफाई लगवा रखा है वो तो देख सकेंगे, लेकिन आगे नहीं भेज सकेंगे। जो सड़क पे, काम पे, धंधे पे, दुकान पे बैठ के जो लोग अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके ये चैनल्स देखते हैं वो शायद कल 12 बजे तक नहीं देख सकेंगे। ये इसका कारण यही था कि अगर ये इंटरनेट सुविधा चालू रहती है तो बहुत से लोगों को अफवाहों का सामना करना पड़ सकता है, बड़ी अजीब किस्म की खबरें भी चलाई जा सकती थी, भड़काने वाली, लोगों को बहकाने वाली, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी हो सकती थी। अब अमृतपाल के ऊपर NSA लगा दिया गया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के नीचे उनको अरेस्ट किया गया है। ये एक सेंट्रल कानून है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून है, उसके तहत उस आरोपी को जिसको NSA के नीचे डिटेन किया जाता है उसको किसी भी जेल में रखा जा सकता है और उसके तहत ये हमने अपने सूत्रों से मालूमात ली कि अमृतपाल को आज रातों रात पंजाब से बाहर किसी और जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, वो राजस्थान की हो या उत्तर प्रदेश की हो या उत्तराखंड की हो या मध्य प्रदेश की हो, कहीं भी, क्योंकि NSA डेटी न्यूज़ को कहीं भी रखा जा सकता है। पंजाब में अगर किसी जेल में रखते तो शायद रोज़ लोगों का वहाँ धरना प्रदर्शन रहता, आम पब्लिक को तकलीफ होती और हालात बिगड़ने के आसार रहते। अब उसको कहाँ रखा जाएगा उसके घर वालों को बता दिया जाएगा। लेकिन इस बीच सरकार ने
एक सोती सब्जी प्लानिंग के तहत एक पंजाब में एक नाभा जेल है, तो नाभा टाउन में बहुत बड़ी नाकाबंदी वगैरह कर दी ताकि लोग ये समझें कि अमृतपाल को नाभा जेल में लेके जाया जा रहा है, लोगों की अटेंशन उस तरफ हो, और दूसरी तरफ से अमृतपाल को बाई रोड या उसको एयरलिफ्ट करके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो जहाज़ होते हैं अपने उनके सरकारी प्राइवेट प्लेन सरकारी जहाज से एयरलिफ्ट करके भी दिल्ली ले जाया जा सकता है, अगर उनको इस बात की आशंका हो कि कहीं उनके काफले को रोकने की कोशिश हो सकती है। जिस इलाके से अमृतपाल को पकड़ा गया वहाँ से आदमपुर एयरबेस है कि यहाँ पे बीएसएफ का भी उसको वहाँ उनके प्लेन व्लेन आते जाते हैं, तो नज़दीक पड़ता है एरिया, शायद ये भी हो सकता है कि अगर कोई अमृतपाल को रोकने की कोई शंका लगती हो तो उनको आदमपुर एयरबेस से एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है दिल्ली या किसी और जगह ले जाने के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की पंजाब की खबरें, और इस खबर के साथ साथ जो पिछले 3 दिन से लॉरेंस बिश्नोई पंजाब और देश के मीडिया में छाया हुआ था वो अभी थोड़े दिनों के लिए बैक बर्नर पे चला गया है, ठंडे बस्ते में चला जाएगा, और कल आज ये खबर चली, कल आधा दिन चलेगी, उसके साथ साथ मानसा में जो सिद्धू मूसेवाला पंजाबी का बहुत बड़ा सिंगर और बहुत बड़ी फॉलोइंग उसकी, उसकी डेथ की फर्स्ट जो 1 साल पूरा हुआ है उसकी जो सेरेमनी रिलीजियस सेरेमनी है वो मानसा टाउन में हो रही है। कल पूरा दिन पंजाब का मीडिया खास तौर पर और आज नेशनल मीडिया भी शायद पूरा मूसेवाला कवरेज में लगेगा, कोई बहुत बड़ा एक मेहमत इकट्ठ वहाँ पे होने वाला है, और वहाँ पे उसके जो पेरेंट्स हैं वो क्या अनाउंसमेंट करते हैं अगले प्लान ऑफ एक्शन की उसको देखने के लिए कल मूसेवाला मीडिया का केंद्र रहेगा। लेकिन अमृतपाल की खबर भी साथ चलती रहेगी, और लॉरेंस बिश्नोई का किस्सा फिलहाल कुछ दिनों के लिए ठंडे बस्ते में जाएगा, और सरकार यही चाहती थी। जितनी नमोशी पंजाब सरकार और केंद्र सरकार को देखनी पड़ी कि जेल में बैठ के एक छात्र अपराधी कैसे मोबाइल फोन के जरिए खुले आम अखबार वालों को या टीवी चैनल वालों को इंटरव्यू दे रहा है, अब उसके ऊपर क्या एक्शन होता है वो आज किसी ने बात नहीं की, किसी ने किसी को सवाल नहीं पूछा, शायद 4-5 दिन के बाद फिर वो मुद्दे पे लोग वापस आएंगे जब अमृतपाल और मूसेवाला का की खबर थोड़ी सी पुरानी हो जाएगी। सो दोस्तों आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे, तब तक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।